दरगाह के ठीक बाहर की तरफ है पीछे के हिस्से में। और यहाँ पर जो आपको ये सामने दिख रहा है ये सब उल्टे मकान है जो कि अंदर ज़मीन में खड़े हुए हैं और ऊपर इनकी जो नीम होती है वह ऊपर की तरफ निकली हुई है। इस वक्त जो है हम मुकुम शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बाहर की तरफ हैं और ये बेहद जलाली दरगाह जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप अगर वीडियो पर आ गए तो वीडियो को जरा सा स्किप ना करें और वीडियो पर लगातार बने रहें ताकि इन बाबा का जो जलाल था उसके द्वारा जो गांव को उल्टा पूरा गांव उल्टा हो गया था वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले हम लेंगे यहाँ के जो खादिम साहब हैं उनसे जानकारी और पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और कौन सा गाँव उल्टा हुआ है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो पर लगातार बने रहें, वीडियो को जरा सा स्किप ना करें और इस वीडियो को जैसा दोस्तों भी शेयर करें ताकि जो यहाँ के बाबा की करामत है वे सबको पता चल सके। और ये जयपुर ज़िले के अंदर है, नन्ना गांव है और अभी हम जो है खादिम साहब से पूरी जानकारी लेके मैं आपके साथ उस गांव को भी शेयर करने वाला हूँ। तो आप लगातार वीडियो पर लगातार बने रहें ताकि मैं आपको यहाँ के जो दरगाह शरीफ है इसकी पूरी जानकारी आपको दे सकूँ दोस्तों। क्योंकि मेरे को हो रहा थोड़ा नज़ला और उसकी वजह से मेरी आवाज़ हो सकता है वर्ड कुछ क्लियर नहीं आया और कुछ वर्डों में चेंजिंग आए बोलने में, तो मैं आपके से उस चीज़ के से बेहद माफ़ी चाहता हूं कि अगर हो सकता है मेरी आवाज़ की वजह से आपको कुछ वर्डों में और या कुछ शब्दों में सुनने में फ़र्क आए तो इसकी वजह से। और मैं जो आपको दरगाह की दीदार करा रहा हूं ये जयपुर ज़िला का दरगाह है जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं और जो खादिम साहब हैं वो अभी अंदर ज़ियारत करा रहे हैं। उसके बाद वो जब बाहर आके फ्री होंगे तो उनसे भी बात करेंगे और उस पेड़ के अंदर जो चिट्ठी और काटर वगैरह लगा हुआ है इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर कुछ डोरे धागे बंधे हुए हैं और यहाँ पर काटा वाट भी है मगर इस पेड़ का ऊपर भी देखो इतना खोखला होने के बाद भी ये पेड़ ऐसा का हरा भरा ही है। साथ में करामती जलाली होने के साथ साथ ये करामती दरगाह भी है जिस तरह हम इस दरगाह के अभी इस वक्त दीदार कर रहे हैं और आपके साथ भी इस दरगाह के पूरे दीदार करा रहे हैं। ये आपको सामने बड़ा साला है, यहाँ पर दलान भी है और दलान के अंदर महफिल वगैरह का भी यहाँ पर हो सकता है उर्स मेले में यहाँ पर इंतजाम होता होगा मगर अभी हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं आपसे जितनी भी जानकारी है यहाँ पर जो गांव है इसके बारे में और जो गांव बाबा ने उल्टा कराया है इसके बारे में सब जानकारी अभी यहाँ पर ही जो खादिम साहब हैं उन सब लेने वाले हैं और ये हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जो कि हमारे साथ आए। और चलिए हम चलते हैं खादिम साहब से और खादिम साहब से आगे चल के जानकारी ले लेते हैं। ये हैं यहाँ के खादिम साहब, इनसे अभी सारी मालूम कर लेते हैं यहाँ के बारे में। ये दरगाह मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के, यहाँ पहले गांव होता था, बहुत बड़ा गांव था ये। तो आप बाहर जाके देखोगे तो पूरे का पूरा गांव पलटा हुआ है। बाबा थे, जलाल थे, जादूगर लोग थे यहाँ। तो बाबा को समझाए, वो बाबा की बात नहीं माने तो फिर बाबा को जलाल आ गया तो पूरी की पूरी बस्ती ही घर था। आप दरगाह के बाहर जाओगे तो पूरा गाँव दिखेगा। अब ये जो मन्नतों के लगा रखे हैं डोरे वगैरह कांटे वगैरह, जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो बच्चों को तोड़ते हैं फल फ्रूट से सूखे मेवे से। वैसे अगर कोई ज्यारत करना चाहे आए और आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहे तो आपके मोबाइल नंबर क्या है बताएंगे? मेरे नंबर लिखिए, मोबाइल नंबर 9975-78-85। तो जब भी अगर यहाँ सामे शरीफ आते हैं, इस गांव में आते हैं बाबा की दरगाह पे जी, तो अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो इस नंबर पर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, मोहम्मद अनवर हुसैन। तो आप इसी गाँव के रहने वाले? नहीं, हम सामे शरीफ के रहने वाले हैं। सामे शरीफ, तो ये भी सामर में लगता है? कौन सा गाँव वाला? ये नन्ना थाना लगता है हमारा, नन्ना ग्राम मातेड़ा है, गांव में आती है। अच्छा, जयपुर जिला। यहाँ पर ये कुछ काटा बाट वगैरह, ये जो बच्चे होते हैं उनकी मन्नत उतारी जाती है। ये जो बच्चे हाँ उनको तोला जाता है सूखे मेवे से, फल फ्रूट से ऐसे तोला जाता है। और यहाँ पर आपने देखा चिड़ियों का दाना आना भी इसका भी कोई है या मतलब नहीं? ये तो कबूतरों के चिड़ियों का दाने के लिए, किस्मत के हिसाब से चिड़ियों का दाना आना। जी हाँ। तो ये थे यहाँ के खादिम साहब जिन्होंने हमें यहाँ के दरगाह के बारे में पूरी जानकारी दी है। और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और बाहर चल के आपको जो यहाँ पर गांव उल्टा है वह भी आपको मैं इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ और हम भी देख लेते हैं कि कौन सा गांव है जो बाबा ने अपने चमत्कार से उल्टा करा था। तो सामने आपको ये दिख रहे होंगे कुछ लोग जाते हुए अंदर की तरफ, यही दरगाह के बिल्कुल नज़दीक में जगह है और यहाँ से हम चलेंगे अंदर की तरफ और अंदर जितना गाँव उल्टा है वह सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर और आगे और आपके साथ वीडियो शेयर। तो ये देखें आप, ये बाहर की तरफ जो है दरगाह के ठीक बाहर की तरफ है पीछे के हिस्से में। और यहाँ पर जो आपको ये सामने दिख रहा है ये सब उल्टे मकान है जो कि अंदर ज़मीन में खड़े हुए हैं और ऊपर इनकी जो नीम होती है वह ऊपर की तरफ निकली हुई है और छत नीचे ज़मीन में दबी हुई है और ये ऊपर की तरफ पूरा यहाँ का निकला हुआ है उल्टे मकान इस वक्त, जो कि बाबा ने अपनी करामत से
जब इन लोगों ने यहाँ पर कहना नहीं माना था बाबा का और जादू टोना करते थे और बाबा ने मना करा था और आपने बाबा का कहना नहीं माना तो बाबा ने जलाल में आके इन सारे मकानों को उल्टा कर दिया था। ये वही मकान है जो खादिम साहब ने अभी अंदर हमें बताएं और हम बाहर देखने आए तो वाकई में ही यहाँ पर कुछ मकान देख रहे हैं आप। ये नीम का हिस्सा है जो कि हम ज़मीन में भरते हैं, ये ऊपर की तरफ आया हुआ है और पूरा मकान जो है उल्टे पलटी गए हुए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को आगे और भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको यहाँ का पूरा गाँव का बता सकूँ।